अस्सलामु अलैकुम, मेहरूस टीचिंग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। आप अगर कोई कपड़ा स्टिच कर रहे हैं या कोई कैप्री शलवार कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर वो साइज़ में छोटी है तो उसकी लेंथ आप कैसे पूरी करेंगे? आपने जो पंच है इसके बॉटम में, वो आपने जोड़ डालना है। तो जोड़ डालने का तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने चेपी लेनी है, उसको कपड़े की शलवार की लेंथ के साथ अटैच करना है, और एक्स्ट्रा 2 इंच की एक पट्टी लेनी है, उसको आपने शलवार के साथ अटैच करना है। 1/2 इंच के मार्जिन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर कपड़े की लेंथ कम हो तो आप इस तरह से नीचे जोड़ डाल के, तो जो लंबाई या लेंथ है वो आप पूरी कर सकते हैं। आप शर्ट में भी इस तरह जोड़ ऐड कर सकते हैं, स्लीव्स के आगे भी, और कैप्री के बॉटम में भी। अगर आप शलवार का स्टिच कर रहे हैं तो उसके पांचों में इस तरह से आप जोड़ डाल के, तो इन चीज़ों की लेंथ जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ 2 इंच की जो है ना वो चौड़ी पट्टी लेनी है, और उसमें 1/2 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच चौड़ा पंचे की जो है चौड़ाई वो होती है, और 1/2 इंच वो फोल्डिंग में कवर हो जाता है। ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है। इस तरह से हम जब फोल्ड करेंगे तो ये जोड़ जो है वो नीचे से महसूस भी नहीं होगा कि हमने नीचे जोड़ डाला हुआ है और इसकी लेंथ को कवर किया हुआ है। इस तरह से आप आसानी से शलवार की लेंथ को लंबा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो गए, इस तरह पांचा बन जाएगा। इसके ऊपर मैं प्रेस लगा रही हूँ। मैंने प्रेस लगा के इसकी एक तह बना ली है, ये देखें इस तरह से। ये जो 1/2 इंच की मैंने सिलाई लगाई थी, इसके ऊपर मैं एक और सिलाई लगाऊंगी ताकि ये जो सिलाई है वो कभी खुले ना, पुख्ता हो जाए। जो 2 इंच की पट्टी थी उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। पेपर जो चेपी या पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर सिलाई आपने लगानी है ताकि वो नीचे की तरफ पुख्ता हो जाए। एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को नीचे की तरफ मैं फोल्ड करूँगी, और पांचा बनाने के लिए आप चाहें तो ज़्यादा सिलाइयों वाला पांचा भी बना सकते हैं, और सिंगल सिलाई वाला भी, यानी कि एक ऊपर और नीचे 2 सिलाइयों वाला भी बना सकते हैं, और ज़्यादा सिलाइयों वाला भी। मैं सिंगल सिलाई वाला बना रही हूँ। 1/2 इंच मैंने फोल्ड किया है, और अब मैं इसको सीधा करके कंकर की सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। ये उल्टी साइड है, और सीधी साइड पे मैं कंकर की सिलाई लगाऊंगी। आपने ये कंकर की सिलाई इंतहाई एहतियात के साथ लगानी है कि ये सिलाई पांचे के ऊपर से उतर ना जाए। कंकर की सिलाइयाँ दोनों पांचों पे लगाने के बाद मैं दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी। आपने ये कंकर की सिलाई लगाते हुए नीचे वाले कपड़े को अंदर की तरफ जो है वो धकेलना है। जितना आप अंदर की तरफ उसको दबाएंगे उतनी ही सिलाई आपकी प्यारी लगेगी। इस सिलाई को लगाते हुए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपकी सिलाई जो है वो किनारे से नीचे ना उतरे। एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी इधर।
पांचे की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखी थी। आप अपनी मर्ज़ी का, अगर ज़्यादा चौड़ा पांचा कोई पहनता है तो उस हिसाब से आप रखें। अमूमन जो है वो 1 से सवाई, मर्दाना जो है वो 1.25 होता है, और लेडीज़ जो है वो 1 इंच होता है। कंकर की सिलाई के बाद मैं 1 इंच वाली सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से आप सलवार की जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि पांचे के नीचे जोड़ डाल के आपकी लेंथ कंप्लीट हो सकती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।